हाँ तो गाइस, तो अब बात करते हैं राउंड 12 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, राउंड 12 की जो न्यू वीडियो है जो आईपीएल के ऊपर आई है, तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे पार्ट थे जहाँ तक जिससे लोग ऑफेंड हो चुके हैं काफ़ी। तो लोग बोल रहे हैं कि सॉरी बोलने को से सॉरी, तो उनको नाजिमुद्दीन ने कुछ बातें बताई अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से। आइए आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ। सो यस गाइस, कुछ चेंज करे गए हैं वीडियो में, कुछ जगह कट करे गए हैं और एक जगह साउंड भी चेंज करा गया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अभी भी वीडियो में वही मज़ा है, वही सीन्स हैं, तो देखते रहो वीडियो को। और ये कोई नई बात नहीं, अपने साथ तो होता रहता है। और ये जो कुछ लोग वीडियो में गलती ढूंढने के लिए बैठे रहते हैं, उनको बस वीडियो का वेट इसीलिए होता है कि कब इनकी वीडियो आए और कब इसमें गलती निकालें और हम कब कुछ इनके खिलाफ़ करें। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यार खुद भी कुछ करो और दूसरों के काम में गलतियाँ निकालना बहुत आसान है। आप बनाओ, मैं आपके काम में 10 गलतियाँ निकालूंगा और 10 जगह केस होंगे। तो ये इन चीज़ों को छोड़ो यार, एक फ़नी वे में वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पे स्माइल ला रहे हैं। कितने लोग दुखी होते हैं, कितने लोग डिप्रेस्ड होते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल ला रहे हैं, उनको हंसाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ढूंढने में क्या मज़ा आता है मतलब उस चीज़ में। तो गाइस, अब बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो जैसा कि आपको ये फोटो देख सकते हो, इससे आशीष चंचलानी को कंपेयर करा जा रहा है। तो आशीष चंचलानी ने इस फोटो को देखते हुए एक इंस्टाग्राम पे ट्वीट किया, चलिए आप भी देखिए और मैं आपको बताता हूँ उसमें लिखा था, यस आई लेफ्ट यूट्यूब दिस डे आई एम प्लेइंग फॉर स्कॉटलैंड थैंक्स टू ऑल मेंबर फॉर एक्सपोजिंग मी। इसी के साथ आपको बता दूं, आशीष चंचलानी की इस बार दिवाली की वीडियो नहीं आई, लेकिन उसमें जो उनके टीम मेंबर है सिमरन, जो उसने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो डाली दिवाली के ऊपर जिसमें आशीष चंचलानी है, और वो वीडियो ट्रेंडिंग पे भी है। अगर आपको वीडियो देखनी है जाके देख लीजिए, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है, अब तक 2 पे आ गई होगी शायद, जाके देखिए। तो अब बात करते हैं एल्विस यादव की। तो जैसा कि आपको पता है, एल्विस यादव की जो न्यू वीडियो आई है दिवाली के ऊपर, वो वीडियो पता नहीं ट्रेंडिंग पे नहीं आई, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनकी हर बार वीडियो जो होती है वो ट्रेंडिंग पे आती है, लेकिन इस बार नहीं आई और उसकी रीच भी नहीं हुई। इसको देखते हुए एल्विस यादव ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बहुत कुछ कहा है, आप भी सुनिए।